हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। ओके, सो आर यू रेडी? टेक योर पेंसिल, ओपन योर नोटबुक एंड बुक। टुडेज योर टॉपिक इज़ टाइम। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइम, तो आप लोग जो है अपनी बुक ओपन कीजिए जिसमें आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 टाइम। यहाँ पर हमने आज आपको फिलिंग कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें आपको खाली स्थान पे फिल करना है। बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है देयर आर डेज इन अ वीक, आप सभी ने लर्न किया है हाउ मैनी डेज इन अ वीक, हाउ मैनी डेज इन अ मंथ, हाउ मैनी डेज इन अ ईयर। आज आपको इसी के अकॉर्डिंग भरना है। वन वीक में कितने डेज होते हैं बच्चों? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। काउंट कीजिए टोटल डेज कितने हैं और फिल कीजिए। देयर आर मंथ इन अ ईयर, वन मंथ में, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं बच्चों? तो आप काउंट कीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इन्हें हम क्या कहते हैं? मंथ्स। ओके, तो अब आपको बताना है वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो जो सही आंसर है उसे आप फिल कीजिए। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, बच्चों अभी न्यू ईयर शुरू हुआ है ना, वो कौन सा है? 2021। तो आपने देखा स्टार्टिंग मंथ्स, इस समय कौन सा मंथ चल रहा है? यस, तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर यहाँ पर आप देखिए और टिक करके फिल कीजिए। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ जिसमें आप लोगों ने पार्टी की एक तारीख से कब की है, एक तारीख से पहले भी आपने पार्टी की है, तो वो लास्ट मंथ कौन था? सभी बच्चों को पता है ना? यस, टिक करके यहाँ पर फिल करना है बच्चों। इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। आप किस दिन स्कूल जाते हैं? संडे के बाद आप किस दिन स्कूल जाते हैं? यस, तो वो होता है फर्स्ट डे ऑफ द वीक। लास्ट डे ऑफ द वीक, बच्चों जिस दिन आप की छुट्टी हो जाती है और सेकेंड डे संडे होता है, तो वो लास्ट डे कौन सा कहेंगे आप लोग? यस, यानी कहते नहीं आज छुट्टी है, कल रविवार, फिर उसके बाद मंडे को फिर से आप स्कूल आना शुरू कर देते हैं। तो अब आप बताइए वो दिन कौन सा है जिसके बाद संडे आता है, सैटरडे, फ्राइडे या मंडे? ओके, तो आप इस तरीके से ये आज फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आपकी अपनी बुक में दिए हैं और आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसी में ये यहाँ आपको टाइम दिया गया है, इसे भी फिल करना है। जैसे देखिए वॉकिंग, जब आप जगते हैं, वेकअप टाइम कितना है? 6 o'clock एंड गो टू स्कूल एट 10 o'clock। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ड्रॉ हैंड्स करने हैं। क्या ड्रॉ करने हैं? हैंड्स। तो जैसे यहाँ 6 o'clock में मिनट हैंड एट 12 एंड आर्स हैंड एट 6, तो कितना टाइम हुआ? व्हाट इज़ द टाइम प्लीज? 6 o'clock। इसी प्रकार से आप 10 o'clock फिल कीजिए, क्योंकि हमने ये आपको चैप्टर एक बार पढ़ाया है, तो आज आप अपने आप यहाँ पर हैंड ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। और ये वर्क आपको अपने बुक में ही फिल करना है। जिन बच्चों की बुक फिल है वो बच्चे सिर्फ अपनी नोटबुक में टाइम मेंशन तो दिए ही, उसमें आप क्लॉक को ड्रॉ कीजिए और टाइम मेंशन कीजिए। ओके, तो अब ये दिए गए वर्क को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। जिन बच्चों की बुक नहीं फिल है वो बच्चे अपनी बुक भी फिल कर ले और साथ में अपनी नोटबुक भी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।